नगर पालिका परिषद जामुल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भाजपा के ईश्वर सिंह ठाकुर विजयी हुए हैं। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा करते हुए ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि जामुल के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका परिषद जामुल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने कड़े मुकाबले में कांग्रेस की प्रत्याशी को मात दी है। आइए हम इन्हीं से चर्चा करते हैं आगे जामुल नगर पालिका जामुल के विकास कार्यों के लिए किस तरह की इनकी योजना है। ईश्वर सिंह ठाकुर जी, आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में आपकी किस तरह की कार्यप्रणाली है? जी भाई साहब, सबसे पहले मैं तो जामुल की जनता का हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद और विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और आने वाले समय में इनके विश्वास में खरा उतरने की कोशिश रहेगी मेरी। जो आम पब्लिक की मंशा रहेगी उस मंशा को लेकर चलूंगा और काम करूंगा। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त थे? कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की भी आपको संभावना? नहीं, वो एक प्रक्रिया है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, ऐसा अफवाह फैलते रहता है, लेकिन हमारी पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और नगर पालिका परिषद जामुल के अपील समिति के दो पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया है। एक है जामुल में कई तरह की देखा जाता है, एक दीपक गुप्ता है, कई तरह की मूलभूत समस्याएं यहाँ पे, दूसरा राम गुलाब। भाई साहब, मेरी कोशिश रहेगी पूरी कि मैं अच्छे से काम करूं और लोगों का दिल। उनको भी बड़ी बहुत बधाई। ये थे हमारे साथ नगरपालिका परिषद जामुल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के बताया कि आने वाले समय में उनकी क्या कार्य योजना रहेगी, किस तरह से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं भारतीय जनता पार्टी को दिया। ग्रैंड एशिया न्यूज के संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।